देखिए पिछले दिनों झांसी जिला प्रशासन ने एक झूठी कहानी बना करके समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव सहित लगभग 20 लोगों को फर्जी मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया। उनके ऊपर कल गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई। बहुत से साथी उनमें ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक भी मुकदमा, 323 का मुकदमा भी थाने में दर्ज नहीं है। बुला करके उनको इस मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया और उनके ऊपर गैंगस्टर की सीधी कार्रवाई कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने आज महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष धरना देकर के जिला प्रशासन को चेतावनी देने का काम किया है कि तमाम जो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है उन्हें न्याय दिलाओ, और अगर उनके साथ इसी तरीके से अन्याय होता रहा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी शांत नहीं बैठेगी, लड़ाई लड़ने का काम करेगी, एक बड़ा जो है आंदोलन बनाने की तैयारी करेगी। क्या ये बदले हमने इस संबंध में ज्ञापन दे करके जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को, और एक पत्र लिख करके घटना का सारा विवरण लिख करके हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी उपलब्ध कराया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। अगर इस प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि झूठी कहानी गढ़ी गई है, लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा।